नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते कुछ दिनों से विवादों में हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब बाबा रामदेव का समर्थन मिल चुका है। स्वामी रामदेव ने कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछे, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाओ, चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं मीडिया के लोगों को ज्यादा फोन नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। ये सच है, जो दिख रहा है और जो आंखों से दिख रहा है वो एक प्रतिशत है। आप लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जबकि इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्था है, लेकिन अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू बाबाओं के खिलाफ खास अभियान चलाया जा रहा है, उसी के चलते उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वे इसे नहीं डरते। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में श्री राम चरित्र चर्चा का आयोजन हुआ था, तब वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा था। इस दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोने को बढ़ावा दिए जाने का आरोप था। इसके बाद से लगातार विवाद जारी है। जम्मू कश्मीर के नरवाल में शनिवार को दो लगातार बम धमाकों से दहल उठा। 15 मिनट के अंदर हुए सीरियल ब्लास्ट में 7 लोग घायल हो गए। हालांकि जम्मू जोन के एडीजी ने 6 लोगों के घायल होने की पुष्टि की, जबकि अस्पताल सूत्रों ने 7 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बम धमाकों की कड़े शब्दों में निंदा की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उपराज्यपाल को विस्फोट और जांच की स्थिति के बारे में जानकारी दी। एलजी ने इस घटना के पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के तत्काल कदम उठाने को कहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस तरह से निशंस काम जिम्मेदार लोगों की हताशा और कायरता को उजागर करता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान उपराज्यपाल ने घायलों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी जताई हैं। इसके साथ ही उन्होंने 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। एलजी ने कहा कि प्रशासन घायलों का अच्छा इलाज सुनिश्चित करेगा। एक अधिकारी ने बताया कि पहला धमाका 10:45 पर हुआ था, इसके बाद एक और धमाका हुआ। बम धमाकों के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और तलाशी ली गई। एक चश्मदीद जशविंदर सिंह ने कहा कि पहला धमाका एक वाहन में हुआ, जिससे मरम्मत के लिए वर्कशॉप भेजा गया था। इसके 15 मिनट बाद ही नजदीक ही एक और धमाका हुआ। ₹200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और सनसनीखेज दावों के साथ चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने इस बारे में चिट्ठी नौरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस के बीच विवादों को लेकर लिखी। सुकेश ने दावा किया कि नौरा फतेही ने आर्थिक अपराध ब्यूरो के सामने अपना बयान बदला था। सुकेश ने भी कहा कि नौरा चाहती थी कि मैं जैकलिन को छोड़ दूं। मेरे मना करने के बाद भी नौरा मुझे परेशान करती रही। सुकेश ने चिट्ठी में आगे लिखा कि जैकलिन और मैं गंभीर रिश्ते में थे, यही वजह है कि नौरा जैकलिन से जलती थी, मुझे जैकलिन को लेकर भड़काती थी और मेरा ब्रेन वॉश कर रही थी। नौरा चाहती थी कि मैं जैकलिन को छोड़ दूं। सुकेश ने आगे लिखा है कि निकित तंबोली और चाहत खन्ना केवल पेशेवर सहयोगी थे और मेरे प्रोडक्शन में काम करने वाले थे। सुकेश ने कहा कि नौरा चाहती थी कि मैं जैकलिन को छोड़ दूं और उसके साथ डेटिंग करना शुरू कर दूं। नौरा मुझे दिन में कम से कम 10 बार कॉल करने की कोशिश करती थी और अगर मैं उसकी कॉल का जवाब नहीं देता था तो मुझ पर फोन करते रहने के लिए दबाव डालती थी। वहीं इस लेटर में सुकेश चंद्र ने फिल्म एक्ट्रेस नौरा फतेही के जैकलिन पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। सुकेश ने नौरा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी के सामने और ईओडब्ल्यू के सामने नौरा ने अलग अलग बयान दिए, जिससे साबित होता है कि वो अपने दिमाग से कहानी बना रही हैं। नौरा ने झूठ कहा है कि वो मेरे से कार नहीं लेना चाहती थी, वो सबसे बड़ा झूठ है। नौरा जब मुझसे मिली थी तब उनके पास महंगी कार नहीं थी, लेकिन मैंने और उसने मिलकर एक लग्जरी कार सेलेक्ट की, जिसका स्क्रीनशॉट ईडी के पास है। बीजेपी ने दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ के दावों पर सवाल उठाए थे।
और इसे एक नाटक और साजिश करार दिया था। अब इसमें स्वाति मालीवाल ने कड़ा पलटवार करते हुए इस तरह के बयान जारी करने वाले नेताओं को फटकार लगाई। दरअसल बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है। स्वाति मालीवाल ने इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिन्हें लगता है कि मेरे बारे में झूठी और गंदी बातें कर मुझे डरा देंगे, उनको बता दूं कि मैंने सर पर कफन बांध इस छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े काम किए हैं। मुझ पर कई अटैक हुए पर मैं रुकी नहीं। हर अत्याचार से मेरे अंदर की आग और बढ़ी है। मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। जब तक जिंदा हूं लड़ती रहूंगी। दरअसल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि रात में निरीक्षण के दौरान एक नशे में धुत व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के बाहर कार से 10-15 मिनट तक घसीटा है। मालीवाल का दावा है कि गाड़ी की खिड़की में उनका हाथ फंस गया था, तभी वाहन चालक ने कार को आगे बढ़ा दिया। इस घटना के बाद दक्षिणी दिल्ली के संगम बिहार निवासी 39 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता साजिद अलवी ने ट्वीट किया था कि मालीवाल के नाटक का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने सवाल किया था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए नाटक किया और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर आरोप लगाए। क्या महिला सुरक्षा के गंभीर मुद्दे पर सस्ती राजनीति जायज है? बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर किया था और इस वीडियो में हरीशचंद्र सूर्यवंशी को आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ पोज देते हुए दिखाया जा सकता है। उन्हें मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की सराहना की थी, लेकिन इस मामले को फर्जी स्टिंग बताया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब लिंक को शेयर करने वाले ट्वीट को भी ब्लॉक कर दिया गया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सूत्रों की माने तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने आदेश दिया है कि यूट्यूब पर शेयर किए गए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के सभी वीडियो ब्लॉक किए जाए। इसके अलावा ट्विटर को भी आदेश दिया है कि वो इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब लिंक वाले 50 से ज्यादा ट्वीट ब्लॉक कर दें। इस आदेश के बाद इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री के कई ट्वीट और YouTube वीडियोस अब माइक्रोब्लॉगिंग्स और वीडियो शेयरिंग वेबसाइटों पर दिखाई नहीं दे रहे। सूत्रों के मुताबिक यह आदेश आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया गया है। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से दो भाग में एक सीरीज बनाई है। ये सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों के बारे में है, जब मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से बनाई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय से प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अर्दम बागची ने बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर गुरुवार को नई दिल्ली में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि यह गलत आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए दुस्साहस का हिस्सा है, दुष्प्रचार है। बताया जा रहा है कि यूट्यूब ने वीडियो को फिर से अपलोड करने पर ब्लॉक करने की धमकी दी है। इससे पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी 2002 के दंगों की सच्चाई सामने आने से डरते हैं और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को अवरुद्ध करना अलोकतांत्रिक है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार सच्चाई पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश कर ले, दुनिया सच देख ही लेती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल मिलने पर कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि हमें नहीं पता कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। पैरोल मिली भी है तो पूरी प्रक्रिया का पालन करने पर मिली होगी और ये उनका अधिकार है। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को शुक्रवार को फिर से 40 दिन की पैरोल दी गई। अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को 3 महीने में पहले भी 40 दिन की पैरोल मिल चुकी है। इसको लेकर ये विवाद बढ़ा है। डेरा प्रमुख की आखिरी 40 दिन की पैरोल पिछले साल 25 नवंबर को खत्म हुई थी। वो 14 अक्टूबर को रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में अपना बरनावा आश्रम गए थे। इससे पहले हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने डेरा प्रमुख की ताजा पैरोल याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि डेरा प्रमुख ने 40 दिनों के पैरोल के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसे रोहतक संभागीय आयुक्त को भेज दिया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक लेटर लिखकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर राष्ट्रीय राजधानी के शिक्षा विभाग के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने विजय सक्सेना को लिखे अपने लेटर में कहा कि शुक्रवार को आपके द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को जो लेटर लिखा गया था, लेटर में आपने दिल्ली के शिक्षा विभाग के कामकाज की आलोचना करते हुए जो आंकड़े दिए हैं वे झूठे हैं। दिल्ली के 60,000 शिक्षकों ने अपनी मेहनत से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है।
वाहत हैं और अपमानित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल ने शुक्रवार को केजरीवाल को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने शहर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। इसके जवाब में श्री सुदे ने कहा कि आपको अपने झूठे बयान से राष्ट्रीय राजधानी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदनाम नहीं करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने पत्र में लिखा कि जैसे आपने बहुत गलत तथ्य लिखे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 16 लाख से घटकर 15 लाख रह गई है, जबकि वास्तविकता ये है कि साल 2015 से 16 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है जो अब बढ़कर 18 लाख हो गई है। मनीष सिसोदिया ने आगे लिखा कि आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि साल 2015 में सरकारी स्कूल के नाम पर जर्जर कमरे ही हुआ करते थे जिसमें ऊपर से पानी टपकता था। स्कूल में पीने का पानी और साफ शौचालय होना तो दूर की बात है। भवन के किसी कोने में जर्जर शौचालय और बदबू के कारण हमारे शिक्षकों और छात्रों को 8 घंटे तक नाक बंद कर स्कूल में रहना पड़ता था। साल 2015 में जब मैं स्कूल जाता था तो लगभग हर जगह यही नजारा दिखता था और मेरा दिल रो पड़ता था। हमें गर्व है कि हमारे कार्यकाल में स्कूल जो है सरकारी उनकी तस्वीरें बदली हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इतना सब होने के बावजूद अब दिल्ली के उपराज्यपाल अपने पत्र में राजनीतिक मंशा से लिखते हैं कि शिक्षा विभाग में कोई काम नहीं हुआ तो ये लाखों बच्चों उनके माता पिता और शिक्षकों का अपमान है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।